अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफीजम इस्लाम और आज मैं आपके सामने करमाते गौसे आजम सरकार की किताब लेकर आई हूँ, मुसन्निफ सैयद नसीरुद्दीन हाशमी कादरी बरकाती। इस किताब में मैं पेज नंबर 106 और करमात नंबर 52 ये आपको पढ़ के सुनाऊंगी। नसरानी को अब्दाल बनाना। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि जिस दिन आपके वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और दफन हुए, उस दिन हमको शेख अबुल हसन तंतना बगदादी ने कहा कि मैं सैयदी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इल्म पढ़ा करता था और अक्सर रात को आपके ज़रूरत के ख्याल से जागता था। आप सफ़र के महीने में एक रात अपने घर के दरवाजे से निकले और मैंने अपने खिदमत आपकी खिदमत में लौटा देना चाहा, लेकिन आपने ना लिया और मदरसे के दरवाजे की तरफ बढ़े जो आपके लिए खुद ब खुद खुल गया और आप बाहर निकल गए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। मैं दिल में ख्याल करता था कि आपको मेरा इल्म नहीं है और आप चले, यहाँ तक कि बगदाद शरीफ के दरवाजे तक पहुँच गए। फिर दरवाजा आपके लिए खुल गया और आप वहां से निकले, फिर दरवाजा बंद हो गया और थोड़ी दूर तक आप गए तो क्या देखता हूँ कि हम एक ऐसे शहर में आ गए हैं कि जिसको मैं पहचानता न था। आप एक मकान में दाखिल हुए जो कि सराय से मिलता जुलता था और देखा तो उसमें 6 आदमी थे। सबने आपको सलाम किया और मैं वहां से एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने उस मकान की एक तरफ से रोने की आवाज सुनी। थोड़ी देर में यह आवाज बंद हो गई और एक मर्द आया और उस तरफ गया जहां रोने की आवाज सुनी थी। फिर वह निकला इस हालत में कि उसने अपने कंधे पर एक शख्स को उठाया हुआ था। एक शख्स दाखिल हुआ जिसका सर नंगा था, उसकी मूंछों के बाल लंबे थे। वह हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ गया। आपने उसको कलमा शहादत पढ़ाया और उसके सर और मूंछों के बाल कतरवाए, उसको टोपी पहनाई और उसका नाम मोहम्मद रखा और उन लोगों से कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि यह शख्स उस मरहूम के बदले मुकर्रर किया जाए। उन सब ने कहा बहुत बेहतर। वह हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह निकले और उन लोगों को वही छोड़ा और मैं आपके पीछे पीछे हो लिया। यहाँ तक कि हम बगदाद शरीफ के दरवाजे तक पहुँच गए तो वह पहले की तरह ही खुल गया। फिर आप मदरसे में आए, उसका दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। फिर आप अपने घर में दाखिल हुए। सुबह हुई तो रोजाना की तरह मैं हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पढ़ने के लिए बैठा, मगर आपकी हैबत की वजह से ना पढ़ सका। मैंने आपको कसम दी कि जो मैंने हाल रात को देखा था उसके बारे में साफ तौर पर बयान फरमाए। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वह शहर नहावंद था और जो तुमने 6 आदमी देखे थे वह अब्दाल थे। इसके रोने की आवाज सुनी वह 7वां अब्दाल था जो बीमार था। जब उसकी मौत करीब आई मैं उस वक्त आया और जो शख्स उसके कंधे पर उठाकर बाहर ले गया था वह अबुल अब्बास खिज्र अलैहिस्सलाम थे। जिस शख्स को मैंने कलिमा शहादत पढ़ावाया वह कुस्तुनतुनिया का रहने वाला ईसाई था। मुझे हुक्म दिया गया था कि वह इस मरने वाले का बदल और कायम मकाम बन जाए। उसको बुलाया गया और वह मेरे हाथ पर मुसलमान हुआ। अब वह उनमें से एक है, यानी 7वां अब्दाल। हजरत शेख मुहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे अहद लिया था कि यह वाक़या आपकी हयात ज़ाहिरी में किसी से न कहूँ। बहजतुल असरार पेज 207। तशरीह। चोर को कुतुब बनाना से इतना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रोशन करामात से है। ऊपर दी गई करामात में आपने ईसाई को कुतुब बना दिया मुसलमान करके, यह उससे भी अजीब और अजीम करामात से है। यहाँ से भी यह पता चला कि जब कोई अब्दाल मर जाता है तो उसका बदल फौरन मुकर्रर कर दिया जाता है ताकि बातनी निज़ामे सल्तनत में कोई फर्क न आए। अब्दाल को अब्दाल इसलिए कहा जाता है कि वह अचानक 40 मकामात पर एक साथ मौजूद होता है। मुलाजा हो सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात जो इसी किताब में दूसरी जगह बयान की गई है कि एक ही अफ्तारी पर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह 70 मकामात पर तशरीफ ले गए और मदरसे में भी मौजूद रहे और हर जगह अफ्तारी फरमाई।